दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपटी न्यूज। पुपटी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। सभापति एवं उपसभापति का हुआ नागरिक अभिनंदन। जी हां, जानकी की पवित्र भूमि पुनौरा धाम के कामनी विवाह भवन में विधान परिषद के नवनिर्वाचित सभापति देवेश चंद्र ठाकुर एवं उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले से हजारों की संख्या में गणमान्य जन पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह पहला मौका है जब विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति दोनों पद पर सीतामढ़ी के लाल नहीं कब्जा जमा लिया है। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में गणमान्य जन नागरिक अभिनंदन में पहुँचे और यहां पहुंचकर कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस अवसर पर सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू, पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता, पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा, पूर्व विधायक खलील अंसारी, विधायक पंकज मिश्रा, पूर्व विधायक जनंदन यादव, विधान परिषद सदस्य रेखा कुमारी, जदयू प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान, प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय सिंडिकेट मेंबर ने नवनिर्वाचित सभापति एवं उपसभापति को पुष्प गुच्छ एवं साल उठाकर सम्मानित किया। इस मौके पर मौजूद गणमान्यों द्वारा अपने उद्गार भी व्यक्त किए गए। मंच का संचालन जदयू के सीनियर लीडर विमल शुक्ला ने किया। दोस्तों आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। इस बात की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री केशव राम मांझी जी को और तमाम जितनी विधान परिषद के सदस्य हैं, सभी लोगों के उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि हम लोगों को उन्होंने निर्विरोध निर्वाचित होने का सौभाग्य प्राप्त कराया। विशेष हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य और खुशी की बात इसलिए भी है कि मेरे सभापति निर्वाचित होने के बाद सभी लोगों ने उप सभापति के पद के लिए आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी को भी उप सभापति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित करने का काम किया। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं हमेशा उन्हें एक बड़े भाई कितना मैंने इज्जत दिया है और वो उसके पात्र हैं। मैं समझता हूँ बहुत कम लोग उतने ज्यादा विद्वान होंगे। आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने सिर्फ ये तो पद अभी इनको मिला है, सिर्फ इससे ये सुनिश्चित और गौरवान्वित नहीं हुए हैं। ये पहले भी शिक्षा मंत्री भी और योग्य शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, चाहे जिस दल में रहे जिस दल के हैं, लेकिन योग्य शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। और हम लोग हमेशा मैं इनकी हिस्सा हमेशा हम लोगों ने की, इसलिए कि योग्य आदमी गौरव है। 1911-1912 में बना हुआ विधान परिषद है, जब हिंदुस्तान से कलकत्ता की राजधानी थी और कलकत्ता से राजधानी उठ के दिल्ली ले गए अंग्रेजी हुकूमत। और उस समय अंग्रेजी हुकूमत जब वहां ले गए तो बिहार बंगाल उड़ीसा जो एक ही राज्य था, तो बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बना और 1912 में फिर बिहार भी अलग बना और उड़ीसा भी अलग बना। बिहार विधान परिषद 12 से विधानसभा से पहले बना हुआ विधान परिषद है और उस कदम में आदरणीय पूर्वे जी और हम वहां पर आसन है, इसके लिए हम लोग को सौभाग्य की बात और ये सौभाग्य आप लोगों ने प्राप्त कराया है। इसलिए मुझे मौका मिला है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं बार बार देख रहा हूँ लोगों की नजर थाने की तरफ भी घूम रही है। हम लोग पहचानते हैं, हम लोग बहुत जल्दी से जी सकते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, समझते हैं और ये मालूम है कि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा उठेंगे, जितना जल्दी पता चलता है पहुंच जाते हैं खाने के। तो हम तो बस वही इसकी कहानी सुना के वही हम तो सुनाते थे, जब कोई बहुत बेचारी हमारी बहन या कोई महिला बहुत ज्यादा देर बोलती थी भाषण में चुनाव के समय के समय में, तो वो भी कहानी सुना देते जो सुना के खत्म ही करेंगे, ज्यादा समय ऐसा नहीं देंगे। वो एक महिला थी जिसके बारे में प्रचलित भाषा कि एक माइक पकड़ी या टेलीफोन पकड़ी, दो तीन घंटा जो है बिना उसके कम बात है।
कम से कम दो तीन मिनट। हमें लोग कांग्रेस अध्यक्ष थे बाकी उसको बोली नहीं करते थे कोई, और देर से कहीं कोई पता आ गया क्या दो तीन मिनट तक। एक दिन किसी ने देखा कि उसको फोन आया और वो डेढ़ घंटा में फोन खत्म कर दिया, बात खत्म कर दी। तो किसी ने हिम्मत किया और पूछा मैडम आप तो दो तीन घंटा बात करते हैं, आप तो माहिर हैं, कभी इस पर बात करती हैं, आज ये दो तीन घंटा के बजाय डेढ़ घंटा में इनके सर का फोन खत्म हो गया। कभी क्या कहे रॉन्ग नंबर था जो इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड पुपली बाजार, प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।